अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके उन भाइयों की बात करने लगे हैं जिन्हें ISI के अंदर, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के अंदर और SSG कमांडो के अंदर जाने का शौक है। तो हम कैसे ISI को ज्वाइन कर सकते हैं आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, और मुझे भी नहीं पता किस तरह ज्वाइन करते हैं, तो आपके साथ सोचा मिलके देखते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों, हमारे दफा की आखिरी लकीर ISI एक मुनज़्ज़म और पावरफुल अदारा है। इस अदारे की कारकर्दगी कम वसाइल के बावजूद बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत से लोग हमारे गुमनाम हीरोज़ की कारकर्दगी को देखकर या उनकी कहानियाँ सुनकर बहुत मुतासर होते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी इस अदारे को ज्वाइन करके मुल्क और कौम की खिदमत करें। लेकिन जहन में पहला सवाल ये उठता है कि किस तरह इस अदारे को ज्वाइन किया जाए और इसकी वैकेंसी कब आती हैं, और वाकई में कुछ लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि ISI की एड्स आएँ और हम अप्लाई करें। दोस्तों, ISI की कोई एड्स या वैकेंसी सिविल में नहीं आती, बल्कि ISI ज्वाइन करने का तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक बहुत लंबा और सब्र आजमा प्रोसीजर है जिसमें आपकी किस्मत का अच्छा होना भी ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि आप ISI में किस तरह जा सकते हैं। ISI ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगी। अगर आप एज अ सोल्जर आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी तकरीबन 9 महीने की ट्रेनिंग होगी, और अगर एज अ ऑफिसर आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं तो 2 साल की ट्रेनिंग होगी। इन ट्रेनिंग्स के दौरान ही आप लोगों की और आप लोगों के घर की वेरिफिकेशन भी कर ली जाती है, यानी इंटेलिजेंस के ज़रिए आपके घर और आपकी सारी मालूमात इकट्ठी कर ली जाती हैं। ये अमल कुछ इस तरह से होता है कि ट्रेनिंग के दौरान आपके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स इंटेलिजेंस अदारों को भेज दिए जाते हैं। वेरिफिकेशन के बाद यही डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाते हैं, और जिन लड़कों की डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं आते उनको तब तक के लिए ट्रेनिंग सेंटर में ही रोक लिया जाता है जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाती। और ये मसला ज़्यादातर बॉर्डर के नज़दीक रहायश पजीर लोगों के लिए आता है। उन लोगों की सही से तस्दीक होती है कि कहीं दुश्मन के एजेंट तो भर्ती नहीं कर रहे। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हर ये सोल्जर को चीज़ तो किसी न सबसे किसी ज्यादा यूनिट जरूरी में है। भेज दिया जाता है, जिसके बाद सोल्जर ने इसी यूनिट में अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देना होती हैं। यही यूनिट सोल्जर का दूसरा घर कहलाती है। ISI तक जाने के लिए आपको बहुत से प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। यूनिट्स में बहुत सी वैकेंसीज आती रहती हैं, कभी SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप की, और कभी मिलिट्री इंटेलिजेंस, और कभी ISI की। अगर आप यूनिट में नए आए हैं तो आप SSG में तो जा सकते हैं, लेकिन ISI तो क्या, मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरे छोटे इंटेलिजेंस अदारों में भी आपको नहीं जाने दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक ब्रिगेड से 4 बंदों की ज़रूरत है, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस 4 वैकेंसी का लेटर ब्रिगेड में भेजेगी। हर ब्रिगेड में 4 यूनिट्स होती हैं, और हर यूनिट में कम से कम 300 फौजी और ज़्यादा से ज़्यादा 900 फौजी होते हैं। ब्रिगेड 4 वैकेंसी के लेटर पर अमल करते हुए अपनी 4 यूनिट से कहेगा कि हर यूनिट एक एक फ़ौजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए भेजे। अब सारी गेम यूनिट के CO पर आ जाती है, वो जिसको चाहे भेज सकता है। अगर आप नए हैं तो आपकी बारी नहीं आने वाली, और अगर आप 3 से 4 साल यूनिट में गुजार चुके हो और यूनिट में अच्छी कारकर्दगी भी दिखा चुके हो तो आप CO से कह सकते हो कि मैं जाने की ख्वाहिश रखता हूँ। आपका नाम मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए दे दिया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। पास होने की सूरत में आपको 3 साल के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस में रख लिया जाएगा। ये 3 साल पूरे होने के बाद जब आप यूनिट में आएंगे और अगर ISI की वैकेंसी आई हो तो आपका नाम ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आप मिलिट्री इंटेलिजेंस में ही हैं तो वहाँ अगर ISI को बंदों की ज़रूरत हो तो आपके सरबरा की मर्ज़ी है, चाहे जिसका नाम दे दें। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो अच्छा, आपको मतलब ISI में आर्मी भेज के दिया अंदर के जाएगा। बंदे लेते हैं, और ये बाहर से याद बंदा रहे नहीं कि जा सकता। ISI की वैकेंसी यूनिट्स में बहुत कम आती हैं, जबकि ये ज़्यादातर दूसरे इंटेलिजेंस अदारों और SSG यूनिट से लेने पर ज़्यादा गौर करती क्योंकि है। दूसरे और अगर अदारे जो आप हैं ISI वो के लिए कमजोर, सिलेक्ट हो जाते मतलब हैं आईज, तो ये दौरानिया सिर्फ 3 साल का होगा। मतलब अगर तीन इसलिए ये साल के मेरे अंदर ख्याल आप से ये इसलिए उन अदारों से लेते हैं, मतलब SSG और इंटेलिजेंस ब्यूरो से, क्योंकि वो ट्रेनिंग के अंदर होते हैं।
आर्मी को दूसरी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और SSG कमांडो को कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है, और इंटेलिजेंस तो पहले ही ISI का काम यही है, तो इसलिए शायद मेरे ख्याल से इसकी वजह से वो उन्हीं से लेते हैं, हालांकि दूसरे रेंजर या मिलिट्री से नहीं लेते। चलो आगे देखते हैं वीडियो। परफॉर्मेंस आउट क्लास हुई तो ये दुरानिया बढ़ भी सकता है। दोस्तों फिर ISI के अंदर और भी बहुत सी कैटेगरीज हैं। अगर आप SSG कोर्स करके ISI में आए हैं तो आपसे ज़्यादा टफ काम लिया जाएगा। इसके अलावा ISI हैकर्स को भी अप्रोच करती है, और सिविल से भी अगर कोई बंदा इनके काम का है तो अपनी मर्जी से चुनती है। ये बात तो तय है, कोई बंदा अपनी मर्जी से ISI में नहीं जा सकता, चाहे वो सिविल से हो या आर्मी से हो। दोस्तों ISI में जाने का जो प्रोसीजर मैंने बताया है, इसके अलावा दूसरा कोई प्रोसीजर नहीं है, और यही प्रोसीजर आर्मी के ऑफिसर्स के लिए भी सेम टू सेम है। हो सकता है आप आर्मी इस गर्ज से ज्वाइन करें कि ISI में जाऊंगा, लेकिन ये भी हो सकता है आप आर्मी में तो चले गए हैं लेकिन पूरी ज़िंदगी ISI ज्वाइन ना कर सकें। ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ घर की कफालत के लिए आर्मी ज्वाइन करें, और ये हुस्ने इत्तेफाक भी हो सकता है आप मिशन भी कर रहे हो और SSG के कमांडो भी बन गए हैं। दोस्तों ISI में जाने का प्रोसीजर जितना मैंने आसान करके बताया है, इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। यही वजह है कि ISI दुनिया की नंबर वन इंटेलिजेंस एजेंसी है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मतलब ISI के अंदर आपको अपनी सर्विसेज देने के लिए सबसे पहले आर्मी और फिर उसके बाद SSG, मतलब बहुत ही टफ ट्रेनिंग के बाद आप ISI में जा सकते हैं। इसलिए तो ISI दुनिया का नंबर वन इंटेलिजेंस अदारा है और वो पाकिस्तान का है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।